9 सितंबर को भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में G20 सम्मेलन का पहला दिन था। पहले ही दिन ये सम्मेलन खबरों में रहा था। अध्यक्षता के अलावा पीएम मोदी ने जब इस सम्मेलन में घोषणा पत्र जारी किया तो हर कहीं उसी की तारीफ हुई। घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र तो था, लेकिन इसमें रूस का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया था। जो घोषणा पत्र भारत की तरफ से पेश किया गया उस पर यूरोप को खासी आपत्ति थी। जानकारों की माने तो यूरोप ने यूं तो इसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल उसको डर था कि अगर वो इसे मुंह तोड़ लेता है तो फिर चीन को हावी होने का मौका मिल जाएगा। इस आपत्ति के बावजूद G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को जारी कर दिया गया। ये घोषणा पत्र कुछ हद तक पिछले साल बाली में हुए शिखर सम्मेलन से मिलता जुलता था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस घोषणा पत्र से काफी असहमत थे। 83 पैराग्राफ्स वाले घोषणा पत्र में 8 पैराग्राफ्स ऐसे हैं जिसमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र था। इन पैराग्राफ्स में युद्ध के आर्थिक प्रभावों समेत कई ऐसी बातों को शामिल किया गया था जिनका दुनिया पर असर पड़ा है। फ्रांस को इस घोषणा पत्र पर खासा आपत्ति थी। इस घोषणा पत्र में वॉर इन यूक्रेन का प्रयोग किया गया था, जबकि फ्रांस चाहता था कि इसे बदलकर वॉर अगेंस्ट यूरोप कर दिया जाए। लेकिन अंत में जो घोषणा पत्र आया वो पूरी तरह से वैसा ही था जो भारत चाहता था। यूरोपियन यूनियन यानी EU को इस बात का डर था कि अगर ये सम्मेलन बिना घोषणा पत्र के समाप्त हो गया तो फिर दुनिया को लगेगा कि G20 खत्म हो चुका है। फिर हो सकता था कि ब्रिक्स और G7 जैसे संगठन इसकी जगह ले लें। ब्रिक्स में चीन और रूस का दबदबा है और ऐसे में चीन के हाथों यूरोप देश अपनी सत्ता को गंवाना नहीं चाहते थे। EU के एक अधिकारी की माने तो इस संगठन को जिंदा रखने के लिए इस घोषणा पत्र पर हामी भरना बहुत जरूरी था। बताया गया था अधिकारियों की माने तो सहमति के लिए उन्हें सिर्फ 2 विकल्प दिए गए थे। पहला, या तो उन्हें घोषणा पत्र से सहमत होना था या फिर इस सम्मेलन में आना ही नहीं था। पीएम मोदी ने आखिर ऐसी कौन सी चाल चली कि घोषणा पत्र को सभी देशों ने स्वीकार कर लिया, ये जानना बेहद जरूरी है। घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन वाला पॉइंट ही सबसे पेचीदा था। इस पर सहमति बनवाने में कई घंटों तक की मशक्कत करनी पड़ी थी। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के पहले ही दिन जब सदस्य देशों को संबोधित किया था तो उन्होंने दुनिया में शांति की बात कही थी। उन्होंने दोहराया था कि ये दौर युद्ध का नहीं है। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। घोषणा पत्र में ये स्वीकार किया गया कि इन मुद्दों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। पीएम मोदी ने गुट निरपेक्ष देशों के गठबंधन यानी इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा G7 के देश जैसे जापान के साथ लगातार वार्ता की। अंत में EU को भी रूस और यूक्रेन वाले पैराग्राफ पर सहमत होने के लिए प्रेरित किया गया। EU और G7 देश इस घोषणा पत्र से पीछे हट गए थे, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ वर्ड्स में फेर बदल किए जिसके बाद इसको सभी देशों ने स्वीकार कर लिया। तो ये थी पीएम मोदी की चाणक्य नीति जिसने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को सभी देशों से पास करवा लिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।